देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, तो मैं इंजॉय कर रही हूँ। आहा, स्वाद ही आ गया खा के, मज़ा आ गया। कितनी अच्छी हवा चल रही है, मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं, बहुत ही प्यारा मौसम। हेलो दोस्तों, राधे राधे, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी मैं बाहर जाने की तैयारी में हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मन हो रहा है बाहर घूमने का। तो मैं बाहर जाने से पहले ज़्यादा कुछ नहीं लगाती अपने फेस में, सिर्फ लिपस्टिक पाउडर का यूज करती हूँ मैं। वो तो मेरा फेवरेट है, लिपस्टिक बिना तो चल ही नहीं सकता काम, क्योंकि उसके बिना तो मेरा चेहरा खुद ही नहीं पसंद आता मुझे। तो मेकअप मैं तब बस करती हूँ जब मुझे ट्रांजिशन वीडियो शूट करना होता है। तो मैं रेडी होके पहुँच चुकी हूँ मार्केट, ये देखो। और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने वाली हूँ। सच बताऊँ तो मैं मेला घूमने के लिए आई थी, बट मेला बंद हो चुका है और मुझे वहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ मिला, सब पैक हो रहा था, मैं घूम नहीं पाई। तो मैं मॉल आ गई हूँ और यहाँ पे बस थोड़ी बहुत चीज़ें देख रही हूँ। देखो यहाँ पे विंटर वेयर अभी से आ रखा है, वो मुझे यहाँ पे कुछ खास पसंद नहीं आया। और ये साबूदाना का पैकेट देखते ही मेरे मुँह में पानी आने लगा, तो मैं ये पैकेट लेके आ गई हूँ घर। और यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छा मौसम है, लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मुझे तो भाई बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, तो मैं इंजॉय कर रही हूँ। और इस बारिश के मौसम में कुछ खाने का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, तो अब तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। अभी कुछ बारिश में तो लेने भी नहीं जा सकते, तो आपको तो पता है मैं साबूदाना का पैकेट लेके आई थी। तो सोच रही हूँ मैं कि साबूदाने के बड़े ही बना लेती हूँ। तो मैं ये फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बना रही हूँ, वैसे तो मेरी मम्मी बनाया करती हैं, तो उसी स्टाइल से आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने साबूदाना के पैकेट को ओपन करके और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसको अब हम 1 घंटे के लिए भिगा के रख देंगे। पता नहीं 1 घंटे में भीगेगा भी या नहीं, तो देखती हूँ कितने टाइम में भीगता है। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको अब रेस्ट करने को रख दूँगी। तो जब तक ये भीग रहे हैं, चलो तब तक हम लोग बारिश इंजॉय करते हैं। तो ये देखो बाहर का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है तो मौसम बहुत अच्छा है। आपको वीडियो में उतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, बूंदें भी दिखाई नहीं दे रही होंगी, और लेकिन जैसा कि मैं देख पा रही हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं इंजॉय करने के बाद मैंने एक वीडियो भी शूट किया, और मैं जब तक कॉफ़ी पी रही हूँ, शायद मेरे साबूदाना भीग चुके हैं, तो मैं उनको अब धो के ये देखो निकाल लिया है, इसका पानी भी सूख गया है। मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से धो लिया था और इस बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। देखो कितने अच्छे से भीग चुके हैं ये। तो अब मैं मिर्ची, इन देखो इतनी सारी मिर्ची मैं डालने वाली हूँ, मिर्ची को मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये आलू कद्दूकस करके मैंने इसमें थोड़े बहुत मसाले मिला के सारा साबूदाना, धनिया पत्ती वगैरह सब डाल के मैंने मिक्स करके ये बना लिया है, ऐसे मम्मी बनाया करती थी मेरी। तो ये देखो मेरे साबूदाने के बड़े रेडी हो चुके हैं, और मैं खा के बताती हूँ आपको कैसे लग रहे हैं। तो मुझे तो जैसी उम्मीद थी वैसे ही बहुत टेस्टी बने हैं, जैसे मम्मी मेरी बनाती थी वैसे ही बने हैं, सेम बहुत अच्छे क्रिस्पी से बने हैं। आहा, स्वाद ही आ गया खा के, मज़ा आ गया बिल्कुल इस मौसम में साबूदाना के बड़े। और मुझे तो लग रहा था कहीं बारिश बंद ना हो जाए मेरे साबूदाना के बड़े बनते बनते, लेकिन बारिश हो रही है अभी और बहुत अच्छे बने हैं। मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं इतने अच्छे बनाई। आपको पता है बहुत से लोगों को तो साबूदाना पसंद भी नहीं होता, बट मुझे लगता है पता नहीं कैसे इनको नहीं पसंद आता, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके बड़े मेरे फेवरेट हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, बढ़िया बाहर बैठ के खाऊँगी। तो बारिश का मज़ा लेते हुए मैं ये सारे अकेले खाने वाली हूँ। मुझे खाते देख आपको भी बहुत मन हो रहा होगा ना खाने का, तो आप भी जाओ और बना के खा लो। आपने देखा ना बहुत ही आसान है बनाना। और अब शाम हो चुकी है और बारिश भी रुक गई है, तो मैं आ गई हूँ छत में। यहाँ पे मैं 2-3 रील शूट की मैंने, सुबह से बारिश हो रही थी और मेरे पास वीडियो भी नहीं थे पोस्ट करने को, तो मैं सिर्फ 2-3 ही रील शूट कर पाई हूँ, क्योंकि शाम हो चुकी है तो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। और बहुत अच्छी हवा चल रही है तो गर्मी भी नहीं लग रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो तो शूट नहीं कर पाऊँगी तो आपको दिखा देती हूँ ये नज़ारा। देखो कितना अच्छा मौसम है, और मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चल भी रही थी,
तो मुझे लग गई है प्यास, तो मैं पी लेती हूँ पानी। जब भी मैं छत में आती हूँ तो एक बोतल पानी ज़रूर लेके आती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वॉक करती हूँ तो मुझे प्यास लगने लग जाती है। और देखो कितनी अच्छी हवा चल रही है, मेरे बाल कैसे उड़ रहे हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है, ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।